जानिए किस दिन तक जारी हो सकती है पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त, ऐसे चेक कर सकते हैं अपना स्टेटस। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। हमारे कृषि प्रधान देश में अधिकतर लोग खेती किसानी पर ही निर्भर हैं, इसलिए केंद्र सरकार भी हमारे किसान भाइयों के लिए कई तरह की नई योजनाएं लेकर आती है ताकि इन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जा सके। इसी के तहत देश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की भी शुरुआत हुई है। देश के लाभुक किसानों को केंद्र सरकार इस योजना के तहत 6000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है। देश के करोड़ों किसान इस योजना का फायदा उठा रहे हैं। किसानों को इस योजना का लाभ किस्तों में दिया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा अभी तक इस योजना के तहत 17 किस्तें जारी की जा चुकी हैं। अब हमारे किसान भाइयों को 18वीं किस्त का इंतजार है। अगर आप भी किसान हैं और आप अपने 18वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कब तक ये 18वीं किस्त आ सकती है और आपकी किस्त कहां तक पहुंचे, उसका स्टेटस आप कैसे चेक कर सकते हैं। यदि आप इस योजना का लाभ उठा रहे हैं तो आपको पता होगा कि केंद्र सरकार द्वारा किसान लाभुकों को आर्थिक सहायता के रूप में 6000 रुपए दिए जाते हैं। ये रुपए किसानों को 3-3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए करके दिए जाते हैं। ऐसे में किसानों को अब अपनी 18वीं किस्त का इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाभुकों के लिए ये किस्त अक्टूबर के महीने में जारी किए जा सकते हैं, क्योंकि 17वीं किस्त 18 जून को जारी की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से इस योजना के तहत 17वीं किस्त की घोषणा की थी, जिसके बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि अब अक्टूबर तक 18वीं किस्त की जारी कर दी जाएगी। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी किस्त का स्टेटस चेक कर सकते हैं। स्टेटस चेक करने के लिए आपको किसान योजना के आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा। वेबसाइट के होम पेज पर आते ही जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको नो योर स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पर एक नया पेज खुल जाएगा। यहाँ आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर गेट OTP पर क्लिक कर दें, फिर आगे अपने किस्त का स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर भी क्लिक करके आगे अपना मोबाइल नंबर या आधार नंबर दर्ज करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। वहीं जिन किसानों ने इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन तो किया है लेकिन अभी तक इसका लाभ उन्हें नहीं मिल पाया है, तो आप पीएम किसान बेनिफिशियरी लिस्ट 2024 की जांच कर सकते हैं। इस सूची में आपको पता चल जाएगा कि अभी तक आपका नाम इससे जुड़ा है या नहीं। यदि आपका नाम अभी तक इस सूची में नहीं जुड़ा है तो आप अपनी KYC पूरी करवाएं। KYC के दौरान अपने बारे में सभी जानकारी सही भरें, उसके बाद आपको इस योजना का लाभ भी मिलना शुरू हो जाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। यदि आप भी पीएम किसान योजना का लाभ उठा रहे हैं तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।